फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नम शूज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में मैग्नम शू की डिमांड हमारे काफ़ी है, बट मैग्नम शू इतना ज़्यादा अभी मिल नहीं रहा। तो उसकी वजह यही है कि हमारे इंडिया में तो बनता नहीं है। नीदरलैंड्स की कंपनी है, वाया बांग्लादेश से आता है ये। तो आज मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, जो ये शू बनता है किस मटेरियल से बनता है और इसमें क्या क्या, जो इसका सोल है वो किस मटेरियल से बना है, इसका बेनिफिट्स क्या। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, आज मेरी पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो आपको मैं बताऊँ, मैग्नम शू जो है उसका जो लेदर की बात हम करें, फुल ग्रेन लेदर होता है, जो कि आप पीयू लेदर, मिक्सिंग लेदर जो होता है, इम्पोर्टेड शू होता है। मींस कि आपका ऑयल रेजिस्टेंट, फ्यूल रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, टोटली रफ एंड टफ यूज़ के लिए बना होता है ये शूज़। और जो इसका सोल की बात अगर मैं करूँ, तो सोल जो इसका होता है आपका मिचलिन कंपनी का सोल होता है, जो कि एक टायर बनाने वाली नंबर वन कंपनी है, उसका सोल इसमें यूज़ होता है, जो कि प्रॉपर रबर सोल होता है, ग्रिपिंग काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं, अभी ख़रीदना चाहते हैं, तो मेरे पास काफ़ी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड स्टॉक बचा, वो हार्डली 1 or 2 पीसेस पर साइजेस, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 में 2 पीसेस पड़े हैं। तभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी, मेरे काफ़ी कस्टमर मुझसे नाराज़ हुए, क्योंकि मैं उनको अवेल नहीं कर, मैं उनको दिला नहीं पाया इस टाइम पे शूज़। अभी बहुत कम स्टॉक है मेरे पास, तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। और उसका जो वेट है ना, वेट आप, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से शूज़ बना है उस हिसाब से इसका वेट होना चाहिए था, नियर अबाउट 3 or 4 केजीस पर पेयर का, लेकिन इसका वेट कम से कम आपका हार्डली 1500 to 1600 ग्राम्स होगा इसका वेट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और बहुत कंफर्टेबल है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है।